Hello everyone, I'm your teacher for this question, and the question is a hormone responsible for normal sleep wake cycle. वो कौन सा हार्मोन है कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल के लिए? सो ऑप्शन है यहाँ पे एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन, मेलाटोनिन या फिर इंसुलिन. सो ये जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल होती है, मतलब जो ह्यूमंस में जैसे ही इवनिंग डार्कनिंग होती है और फीलिंग लाइक स्लीपी होता है और मॉर्निंग होती है फीलिंग, सो वेकअप साइकिल होता है. सो ये जो है ये कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? ठीक है, सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल के लिए वो होता है हार्मोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल इज मेलेटोनिन. मेलेटोनिन, ठीक है. नाउ दिस हार्मोन इज प्राइमरीली रिलीज्ड बाई पीनियल ग्लैंड. सो दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाई पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड और ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को. दैट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, जो नॉर्मल ह्यूमन की जो स्लीप वेक साइकिल होती है उसे रेगुलेट करता है. ठीक है, अब ये जो हार्मोन है ना, ये क्या करता है, ये इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में. इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जबकि बाहर जो इवनिंग डार्कनेस हो जाती है. ठीक है, सो मैं पे लिखेंगे इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस विथ इवनिंग डार्कनेस. इवनिंग डार्कनेस, ठीक है, और ये प्रमोट करता है हेल्दी स्लीप. लिखेंगे यहाँ पे प्रमोटिंग हेल्दी स्लीप. ये प्रमोट करता है हेल्दी स्लीप, ठीक है, और ये हेल्प करता है हमारे जो कार्डियक रिदम है उसे भी, जो हमारे जो बेसिकली हम जो कह सकते हैं रिदम है, रिदम्स है, उसे मेंटेन करता है एंड हेल्प इन मेंटेनिंग रिदम. हेल्प इन मेंटेनिंग रिदम. सो हम बोल सकते हैं रिदम किसका, जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल होती है. सो रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, और जैसे मॉर्निंग आती है तो मॉर्निंग होते होते जैसे सनलाइट ज़्यादा हो तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन. अभी जो एपिनेफ्रिन है ना, ये सिक्रीट होता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है सिक्रीट होता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि किडनी के ऊपर लोकेट होता है. और इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेस रिलीव करता है, ये स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन होता है जबकि हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं. सो ये ऑप्शन नहीं होगा. गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन ये जो गैस्ट्रिन है ये सिक्रीट होता है एंडोक्राइन सेल से जो कि प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, और ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन जो कि स्टमक में. ठीक है, सो ये भी आंसर नहीं होगा. मेलाटोनिन जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. और लास्ट दिया इंसुलिन. इंसुलिन जो है ये सिक्रीट होता है पैनक्रियास से और ये इन्वॉल्व करता है मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. ठीक है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. सो हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन सी मेलाटोनिन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.